बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज है हमारे पास हीरो की पैशन प्रो बाइक। दोस्तों इसमें दिक्कत प्रॉब्लम ये हो रही है, इसके जो दोस्तों फोर्क ऑयल सील है दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों फोर्क के जो बार है वो दोनों बार को हमें चेंज करना है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो रियर चेन किट है वो चेन किट भी हमें चेंज करना है, नया डालना है। साथ ही साथ में स्पीडोमीटर का गियर, स्पीडोमीटर की केबल, यानी कि नॉर्मल थोड़ा बहुत ऊपर के ऊपर काम है, लेकिन दोस्तों मेजर काम यही है कि इसके फोर्क के जो दोनों दोस्तों बार है आप देख रहे हो, ये दोनों बार पे स्क्रैचेस आ गए हैं। और इसके लिए दोस्तों इसके हम बार चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस कंडीशन में हम इसके बार को रिप्लेस नहीं करते, ऑयल सील को प्रेस करते तो दोस्तों ऑयल सील कटने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इसके लिए दोस्तों बेटर रहेगा कि बार को चेंज कर दे। तो दोस्तों ये बार मैंने नए ओरिजिनल परचेस किए हीरो से। और दोस्तों इसकी प्राइस डिटेल्स में, इसे कैसे फिटिंग करते हैं सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में दे दूंगा। बस दोस्तों अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये जो नट आपको दिख रहा है इस नट को मुझे रिमूव करना है। तो ये दोनों बार्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद में जो आगे की प्रोसेसिंग है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। फाइनली जो है वो दोस्तों फोर्क ओपन हो चुके हैं। फोर्क के जो दोस्तों ऊपर का जो नट होता है उस नट की आप कंडीशन देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस नट को हमने अभी थोड़ा बहुत हैमरिंग किया था, क्योंकि दोस्तों ये रिमूव नहीं हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टाइट थे, तो दोस्तों फाइनली उसे हैमरिंग करना पड़ा दोनों बोल्ट्स को, सेम नट्स को सॉरी। तो अभी दोस्तों ये सारी असेंबली इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अभी उस फोर्क का भी ओपनिंग चालू है। तो दोस्तों इसमें एक वॉशर होता है, इस वॉशर को आपको ध्यान से रखना है। एंड दोस्तों ये रही इसकी स्प्रिंग, देखिए दोस्तों स्प्रिंग। तो अभी दोस्तों फाइनली इसके बाद हम क्या करेंगे, एलिंकी हमें लगेगा 6 नंबर, और साथ ही साथ में उसे दोस्तों जो हमारा जो फोर्क का दोस्तों टी आता है, टी स्पैनर बड़ा वाला, वो भी लगेगा। तो दोस्तों तब तक उसमें का ऑयल पंप करके ले लेते और फटाफट से करते हैं रिमूव को स्टार्ट। दोस्तों अभी देख सकते हैं ये हमने फोर्क के अंदर से ये हमारा टी जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों एक एलिंकी नट होता है जिस नट को हमें रिमूव करना होता है दोनों इस पर पाव देकर, ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रिमूव होता है, अंदर भी दोस्तों इसके पार्ट्स होते हैं, उन्हें भी हमें संभाल के निकालना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसे बाहर निकाल लिया, अभी दोस्तों इसे रखेंगे साइड में सबसे पहले। और दोस्तों यहाँ पे जो एलिंकी नट होता है उसे हमें ले लेना है, और उसके ऊपर दोस्तों एक वॉशर भी होता है उसे भी संभाल के दोस्तों हमें निकालना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एलिंकी नट बोल्ट, इसे हम रखेंगे साइड में। अभी दोस्तों इस पाइप को हमें खींच के बाहर ले लेना है, लेकिन दोस्तों इसे लेते वक्त ऐसे उल्टा लेना है ताकि दोस्तों अंदर का पार्ट गिरे नहीं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से इसमें से दोस्तों ऑयल निकल रहा है, और ये दोस्तों सारे पार्ट्स हमारे डिसमेंटल हो चुके हैं। एंड अभी दोस्तों हमें सबसे पहले इसे थोड़ा बहुत क्लीन करना है, अभी तक ये ऑयल सील भी हमें बाहर निकालना है। ये रहा दोस्तों ऑयल सील हमारा। तो अभी मैं आपको नए फोर्क दिखा देता हूँ, तब तक वो रिमूव हो रहा है वहाँ पर। ये रहे दोस्तों हमारे बार न्यू, जिसकी दोस्तों एक बार की प्राइस है 995। और दोस्तों ये रहे हमारे 98 वाले दो फोर्क ऑयल सील, और ये रहे हमारे दो क्लिप। और अभी दोस्तों हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा दो नट्स दोस्तों, जो कि हमने ठोक के हैमरिंग करके निकाला है। तो दोस्तों इसकी जो ये ओरिंग है वो हमें निकालना पड़ेगी, क्योंकि शायद दोस्तों हमें ओरिंग ना मिले, अगर ना मिले तो दोस्तों हम इसी ओरिंग से काम चला लेंगे। तो दोस्तों ये ओरिंग को भी हमें लेना है। फाइनली जो है वो ऑयल सील रिमूव होके वहाँ पे उड़ चुका है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम इसे यहाँ पे थोड़ा ग्रीस अप्लाई करके ले लेंगे, और इसमें जो नया ऑयल सील लगता है वो नया ऑयल सील डाल के ले लेंगे फटाफट से दोनों बार में। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बार भी दिखाऊँगा, बेसिकली दिखा ही चुका हूँ प्राइस वगैरह, बट फिर से एक बार दिखा दूँगा। तो देख सकते हैं एक फोर्क हमारा रेडी हो चुका है, जिस तरीके से हमने निकाले था उसी तरीके से सेम फिटिंग हो चुके है दोस्तों, पूरा रेडी हो चुका है। अभी सेकंड को रेडी दोस्तों करना चालू है। अभी दोस्तों सबसे पहले हम ये वॉशर डालेंगे, वॉशर डालने के बाद इसे थोड़ा यहाँ पे ग्रीस अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा ग्रीस, एंड ग्रीस के बाद दोस्तों आती है बारी हमारे ऑयल सील एंड क्लिप की। तो दोस्तों ये नई वाली क्लिप जरा बेंड है, तो इसे दोस्तों सही करना पड़ेगी, थोड़ी सी बेंड है दोस्तों नॉर्मल,
बट ये हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है बड़ा। ग्रीस को थोड़ा सा वहाँ पे अप्लाई करना है ताकि दोस्तों ऑयल सील जब नीचे जाए तो कोई रफनेस उसमें रहे नहीं, स्मूथनेस रहे। इसके लिए तो फटाफट से इसमें ऑयल सील डलवा के ले लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है वो दोनों फोर्क रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों स्प्रिंग, उसके बाद एक वॉशर लगता है, और उसके बाद दोस्तों ये जो डिस्टेंस है हमारा ये लगता है दोस्तों। तो दोस्तों तीन, अभी इसमें फोर्क ऑयल ऐड करने के बाद दोस्तों हमें ये दोनों नट्स को चेंज करना है। इनकी दोस्तों ओरिंग सेपरेट लेनी पड़ती है, इसलिए ओरिंग मैंने इसकी पहले से रिमूव कर दी है। तो अभी दोस्तों ये नट्स लगाने के बाद हमारा जो फोर्क का काम है वो दोस्तों हो जाएगा रेडी। अभी नेक्स्ट वीडियो को जो दोस्तों आएगा वो आएगा इसके स्पीडोमीटर का जो गियर है वो किस तरीके से चेंज करते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।